आज हम 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना देखेंगे। देखिए ड्रेस बनाने के लिए हमने फैब्रिक की कटिंग करके ले ली है। हमने प्रिंटेड फैब्रिक कॉटन का फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 40 इंच रखी है। अब देखिए हमें इसके साइड्स को फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड्स को एक फोल्ड ऐसे देंगे, सेकेंड फोल्ड ऐसे देंगे, तो चलिए फोल्ड कर लेते हैं। हमने इसके दोनों साइड्स को फोल्ड करके ले लिया है। अब देखिए हमें इसे नीचे की साइड से भी फोल्ड कर लेना है। एक फोल्ड ऐसे देंगे, सेकंड फोल्ड ऐसे देंगे, तो चलिए फोल्ड कर लेते हैं। हमने यहाँ से नीचे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके ले लिया है। अब हमें यहाँ पे देखिए लैस लेंगे। ये हमने लैस लिए, लैस को हमें नीचे की साइड पे लगा लेना है, देखिए बिल्कुल ऐसे। तो चलिए लैस को यहाँ पे लगा लेते हैं। हमने नीचे की साइड पे लैस को लगा के ले लिया है। अब हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। देखिए हमें हल्का हल्का सा फैब्रिक को ऐसे उठाते जाना है और ऐसे पास पास में हमें रखते जाना है। हमें देखिए ऐसे करते हुए प्लेट्स डाल लेनी है। प्लेट्स हमें 5 इंच में ही डालनी है। देखिए इसके अंदर प्लेट्स डाल के ले लिया है। अब हमें यहाँ के लिए नेफा रेडी करना है। नेफा रेडी करने के लिए हमने ये पट्टी ली है, जिसकी लंबाई हमने देखिए 12 इंच रखी है, चौड़ाई हमने इसकी 1.25 इंच रखी है। ये देखिए अब हमें देखिए पट्टी को यहाँ पे ऐसे करते हुए यहाँ पे ऐसे रखना है, इतना हमें यहाँ से आउट रखना है और देखिए इतना ही हमें यहाँ से भी आउट रखना है। तो चलिए पट्टी को यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पे पट्टी को लगा के ले लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे पलट लेना है। देखिए एक फोल्ड ऐसे देंगे पट्टी को, सेकंड फोल्ड ऐसे, फिर से हमें एक फोल्ड ऐसे देना है। पूरी पट्टी को हमें ऐसे ही फोल्ड देना है। हमने देखिए यहाँ पे नेफा रेडी करके ले लिया है। अब हम यहाँ के लिए टॉप रेडी करेंगे। देखिए टॉप बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी देखिए 17.5 इंच रखी है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड देना है पट्टी को, और देखिए इसके अंदर हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए प्लेट्स डाल लेनी है, बिल्कुल ऐसे पास पास में। प्लेट्स हमें 6 इंच में डालनी है। इसके अंदर प्लेट्स डाल के ले ली है। देखिए प्लेट्स हमने 6 इंच में ही डाली है। ये देखिए प्लेट्स हमने 6 इंच में ही डाली है। अब हमें यहाँ के लिए नेफा रेडी करना है। देखिए नेफा रेडी करने के लिए हमने ये पट्टी ली है, इसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी, चौड़ाई हमने इसकी 1.25 इंच रखी है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे रखते हुए पूरी पट्टी में यहाँ तक लगा लेना है। हमने यहाँ पे पट्टी को लगा के ले लिया है। अब देखिए हमें पट्टी को यहाँ पे ऐसे फोल्ड देना है और ऐसे नीचे के साइड पे फोल्ड देंगे, और देखिए यहाँ पे हमें एक एक ऐसे पास पास में सिलाई दे देनी है। हमने देखिए यहाँ पे नीचे के साइड पे फैब्रिक को फोल्ड करके ले लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी हमें हल्की हल्की सी कटिंग कर देनी है। हमने देखिए इसके नीचे की साइड से हल्की हल्की कटिंग करके ले ली है। देखिए अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे करते हुए देखिए बिल्कुल ऐसे करेंगे और स्कर्ट लेंगे। स्कर्ट के हमें इसे यहाँ पे ऐसे करते हुए अटैच कर लेना है। हमने
हमने देखिए टॉप को यहाँ पे स्कर्ट के साथ में अटैच करके ले लिया है। हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।